गाइस, मैं काफी ज्यादा गरीब हो चुका हूँ। मेरे पास अब कोई भी कार नहीं है और ना ही मेरे पास सिंचन और चोप रहते हैं, क्योंकि जब से मैं गरीब हुआ हूँ तब से सिंचन और चोप भी मुझे छोड़ करके चले गए हैं। और ऐसा सुनने में आया है कि सिंचन और चोप तो काफी ज्यादा अमीर हो चुके हैं, लेकिन गाइस सिंचन और चोप मुझे धोखा दे करके यहाँ से चले गए हैं। मेरे पास जब पैसे नहीं थे तो वो लोग मुझे छोड़ करके चले गए हैं। जब मेरा अच्छा दिन था तब तो सिंचन और चोप मेरे पास था, लेकिन जैसे ही मेरा दिन खराब हुआ तब से गाइस सिंचन और चोप मुझे छोड़ करके चला गया है। मेरे पास तो बस यही एक छोटी सी खराब सी जली हुई कार है जिसको मैं अभी रिपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे चढ़ने के लिए भी दूसरा कोई कार नहीं है और सिंचन और चोप तो मुझे छोड़ करके भी चला गया है। गाइस, उनके पास तो सुनने में आया है कि वो लोग काफी ज्यादा अमीर हो चुके हैं, लेकिन गाइस मैं तो काफी ज्यादा गरीब हो चुका हूँ। ऐसे दोस्त भी किस काम के यार जो मुसीबत के समय छोड़ कर चले जाए। गाइस, अरे वाह, वहाँ सामने देखो गाइस, सिंचन आ रहा है। ओ भाई, शायद सिंचन मेरी मदद करने के लिए आ रहा है। अब मेरे अच्छे दिन आ जाएंगे, मेरा दोस्त सिंचन आ रहा है मदद के लिए। आज तो गाइस फ्रैंकलिन को बता ही देंगे कि फ्रैंकलिन तुम भिखारी की भिखारी ही रह गए, लेकिन मेरे पास देखो ये पूरे के पूरे 300 करोड़ की बैटमैन कार है। और फ्रैंकलिन अभी भी तुम भिखारी ही हो। देखो देखो मेरे पास देखो, ये एकदम से 300 करोड़ की बैटमैन कार है। और मेरे पास ये मेरे अंकल है, जिन है ये मुझे सारी की सारी हेल्प करते हैं और मैं अब कितना ज्यादा अमीर बन चुका हूँ फ्रैंकलिन, देखो देखो। और तुम तो पहले भी भिखारी थी और आज भी भिखारी हो, और तुम्हारे पास ये जो कार है, देखो देखो अपनी कार देखो और अपनी हालत देखो और मेरी हालत देखो और मेरी कार देखो। मेरी तो पूरी की पूरी गोल्डन कार है 300 करोड़ की। अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें भी खरीद सकता हूँ और तुम्हारे इस घर को भी खरीद सकता हूँ। मैं काफी ज्यादा अमीर हो चुका हूँ फ्रैंकलिन, मैं तुम्हारे जैसा भिखारी नहीं हूँ। अरे यार सिंचन मेरे भाई, तुम मुझे कैसे बोल रहे हो यार और कैसे बातें कर रहे हो? जब तुम मेरे पास रहते थे तब तो तुम मुझे फ्रैंकलिन भैया बोलते थे, लेकिन तुम आज हमसे बातें कर रहे हो और मुझे बोल रहे हो फ्रैंकलिन और भिखारी। अरे हाँ फ्रैंकलिन, तुम फ्रैंकलिन हो, तुम भिखारी हो, मैं तुम्हें भैया बोलता था। वो समय मैं मजबूरी था, लेकिन अब मेरी कोई भी मजबूरी नहीं है। अब मैं काफी ज्यादा अमीर हूँ और तुम भिखारी हो, और इसलिए मैं तुम्हें भिखारी बोलता हूँ। लेकिन मेरे भाई सिंचन, पैसे से कोई रिश्ता थोड़े ही बनता है। अगर तुम्हारे पास कभी ज्यादा पैसा है, कभी मेरे पास ज्यादा पैसे होंगे, लेकिन हम लोग भाई है और भाई के जैसे ही रहेंगे ना सिंचन। अरे फ्रैंकलिन, तू भिखारी है, तू मेरा भाई कैसे हो सकता है? मैं काफी ज्यादा अमीर हूँ और तुम मेरा भाई नहीं हो सकता। अरे सिंचन मेरे भाई, तुम कैसे बातें कर रहे हो? जब तुम मेरे पास रहते थे तो कितने प्यार से बातें करते थे, हम सभी लोग कैसे रहते थे, मैं तुम और चोप एक साथ रहते थे। लेकिन गाइस देख रहे हो, सिंचन के पास पैसा आ गया है तो कितना ज्यादा घमंडी हो गया है। गाइस आप ही लोग समझाओ ना कमेंट करके, सिंचन मान जाए और हम लोगों के साथ में रहने लगे और सिंचन मुझे ये कार दोगे चलाने के लिए। अरे भिखारी फ्रैंकलिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने के लिए कि तुम मेरी कार चलाओगे? दूर रहना, यहाँ मैं तुम्हें छूने भी नहीं दूंगा। अच्छा सिंचन, तुम्हारा भी दिन है, हमारा भी दिन आएगा यार। सिंचन मेरे भाई, कैसे करते हो यार? आज तो फ्रैंकलिन को बता ही देंगे। देखो मेरे पास पूरे के पूरे 200 करोड़ की ये मॉन्स्टर वाली बाइक है। ऐसा बाइक फ्रैंकलिन कभी जिंदगी में भी नहीं देखा होगा। देख देख फ्रैंकलिन, ये सब बाइक कभी तूने जिंदगी में देखा होगा क्या? भिखारी फ्रैंकलिन, ये देखो, तुम तो बहुत बोलते थे, तुम्हारे पास जब पैसा था तब तो बोलते थे, अब देखो तुम्हारे पास ऐसी कोई बाइक हो सकती है क्या? भिखारी फ्रैंकलिन। अरे यार हल्क भैया, आप भी आज सिंचन के जैसे बातें कर रहे हो यार। सिंचन भी आया है तब से ऐसे ही बातें कर रहा है। आप तो जब मुझे पहली बार मिलते थे तो मुझे बोलते थे हेलो फ्रैंकलिन भाई कैसे हो, हेलो फ्रैंकलिन भाई खाना खा लिए, लेकिन यार आज तो आते आते ही आपने ऐसा कुछ बोल दिया, मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है यार हल्क भैया मुझे। अरे फ्रैंकलिन, तुम्हारी औकात ही है ऐसी, तुम हम लोगों के सामने खड़ा भी नहीं हो सकती, हमारे और सिंचन के सामने तुम्हारी क्या ही औकात है? अरे हल्क भैया, मैं मानता हूँ कि मैं काफी ज्यादा गरीब हो गया हूँ, लेकिन मैं पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन आप भी पहले ऐसे नहीं थे, आप तो पहले बहुत ही अच्छे थे और सिंचन मेरा भाई भी पहले अच्छा था, लेकिन यार पता नहीं आज आप दोनों लोगों को क्या हो गया है, पता नहीं आप लोग ऐसे व्यवहार क्यों कर रहे हो मेरे साथ। अरे हल्क भैया, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये फ्रैंकलिन और भिखारी के साथ तो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, ये बिल्कुल एक नंबर का भिखारी है। लेकिन फ्रैंकलिन भैया, आपका बाइक तो काफी शानदार है, आपने कहाँ से लिया? और ये तो काफी मस्त है, मेरी कार भी देखो, मेरी कार भी काफी ज्यादा मस्त है। रुको रुको हल्क भैया, मैं आपकी बाइक चलाता हूँ। अरे हाँ हाँ सिंचन, तुम चला लो यार मेरी बाइक को, तुम्हारे लिए कोई भी दिक्कत नहीं है, बस उस भिखारी फ्रैंकलिन को छूने मत देना, नहीं तो समझ लेना। अरे हाँ हाँ हल्क भैया, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, इस भिखारी को छूने कौन देगा, ये लेकिन आपकी जो बाइक है वो तो काफी ज्यादा शानदार है। वैसे आप मेरी कार भी देखो, मेरी कार भी काफी ज्यादा शानदार है हल्क भैया, देखो देखो जरा आपको।
तो खूब ज्यादा मजा आएगा। अरे हाँ हाँ सिंचन, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, ये एक नंबर का भिखारी है और ये सब दिन के लिए ऐसे ही भिखारी रहेगा। चलो चलो अब हम लोग अपने घर पे चलते हैं। आज तो उस भिखारी फ्रैंकलिन को दिखा करके ही रहूंगी कि देखो देखो मेरे पास भी ये 500 करोड़ की बैटमैन की डायमंड की कार है, और वो भिखारी फ्रैंकलिन के पास तो कभी भी नहीं होगा, वो मेरे दोस्त के नाम पे धप्पा था। देखो देखो फ्रैंकलिन, ये देखो मेरे पास, देखो पूरे के पूरे 500 करोड़ की ये जो डायमंड वाली कार है, तुम तो मेरे दोस्त कहलाने के लायक भी नहीं थे, लेकिन मैं तुम्हें अपना दोस्त भी बना ली थी। लेकिन देखो तुम्हारे पास एक ऐसी खटारा कार है, और ये देखो मेरे पास पूरे के पूरे 500 करोड़ की पूरी की पूरी डायमंड वाली कार है फ्रैंकलिन। देखो देखो बस मैं तुम्हें दिखाने ही आई हूँ। गाइस मेरे दोस्तों को आज क्या हो चुका है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आज सभी के सभी लोग मुझे पैसे का घमंड क्यों दिखा रहे हैं, जब मेरे पास बहुत सारे पैसे थे तो मैं इन लोगों के साथ काफी अच्छे से बर्ताव करता था। लेकिन गाइस इन लोगों के पास आज बहुत सारे पैसे हो गए हैं तो ये लोग तो मुझे एकदम से भिखारी बोल रही हैं। अब देखो ये जो मेरी स्क्विड गेम वाली फ्रेंड है वो भी मुझे भिखारी बोल रही है। गाइस आप लोग मुझे सपोर्ट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं भी अमीर बन जाऊं और फिर मैं इन लोगों को भी मजा चखा सकूं। तो गाइस जल्दी जल्दी आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना, इन लोगों को मैं मजा चखाऊंगा। अरे वाह स्क्विड डॉल, तुम्हारे पास भी ये डायमंड की कार है, ये तो मुझे पता है, ये तो पूरे के पूरे 500 करोड़ की है। स्क्विड गर्ल तुम ये कहाँ से ली मुझे बताओ, मैं भी खरीदूंगा क्योंकि मेरे पास भी काफी सारे पैसे है। और ये तुम बिल्कुल ठीक बोली हो, फ्रैंकलिन जो है वो एक नंबर का भिखारी है। वाह यार स्क्विड गर्ल तुम्हारे पास तो ये काफी शानदार कार है, रुको मैं इसको ड्राइव करता हूँ। ओ भाई ये तो सच में कितना ज्यादा अच्छा है, मेरे बाइक से भी अच्छा है। वैसे मेरी बाइक तो 150 करोड़ की है लेकिन ये तो पूरे के पूरे 500 करोड़ की है। वाओ स्पीड गेम गर्ल तुम्हारी ये जो कार है ये तो काफी बढ़िया है और ये काफी ज्यादा शानदार है, खूब ज्यादा मजा आ रहा है इसको चलाने में। अरे हाँ हाँ हल्क भाई ये मुझे पता है क्योंकि मैं इसमें पूरे के पूरे 500 करोड़ लगाई हूँ तब जाकर के इतना शानदार मैं कार खरीद पाई हूँ। अरे यार स्क्विड गर्ल तुम तो यार मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड हो, मुझे भी दो ना एक बार ये कार को ड्राइव करने को, तुम यार हल्क भैया को दे सकती हो तो मुझे क्यों नहीं, प्लीज दो ना एक बार मुझे ड्राइव करने को, क्योंकि ये लोग तो मुझे नहीं दे रहे हैं तो तुम ही दे दो क्योंकि तुम तो मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड हो स्क्विड गर्ल, तुम दो ना ये। अरे भिखारी फ्रैंकलिन तुम ये कैसे सोच सकते हो कि मैं तुम्हें वो कार दे दूंगी, आज तो मैं फ्रैंकलिन को बता ही दूंगी कि मेरे पास जो कार है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है, और मैं सिर्फ फ्रैंकलिन को दिखाने जा रही हूँ क्योंकि उसको लगता था जब उसके पास पहले पैसा था तो वो मुझे बोलता था कि तुम्हारे पास ऐसी कार कभी भी नहीं हो सकती है। अरे देखो देखो फ्रैंकलिन मेरे पास देखो ये जो कार है ना ऐसी दुनिया में किसी की भी कार नहीं है, पूरी की पूरी गोल्ड की है और पूरे के पूरे 400 करोड़ की एक कार है। देखो देखो फ्रैंकलिन पहले तुम मुझे बोलते थे ना कि तुम ऐसी कार कभी भी नहीं ला सकती हो, तो देखो देखो फ्रैंकलिन तुम्हारी मुन्नी ये ला चुकी है पूरे के पूरे 400 करोड़ की कार। अरे वाह मेरी मुन्नी तुम तो यार कमाल कर दी, पूरे के पूरे 400 करोड़ की कार खरीद के लाई हो। अच्छा चलो तुम दे दो मुझे एक बार ड्राइव करने को, क्योंकि ये जो हल्क भैया सिंचन और ये स्क्विड डॉल है ये तो मुझे छूने भी नहीं दे रहे अपनी अपनी कार को, तो मुन्नी क्या करो मैं तुम्हारी कार को एक बार ड्राइव कर लूँ क्या, प्लीज मुन्नी बोल दो ना, क्योंकि तुम तो मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड हो, तुम तो मेरी जिगरी दोस्त हो, बोलो मुन्नी मैं तुम्हारी कार को एक बार ड्राइव कर लूँ क्या। अरे अरे तुम तो ज्यादा ही बढ़ गई हो, तुम तो ज्यादा ही बढ़ चढ़ के बोल रही हो, भिखारी कहीं का भिखारी फ्रैंकलिन तुम मुझे दोस्त कैसे बोल सकते हो, तुम मेरे दोस्त के लायक नहीं हो, तुम तो एक नंबर की भिखारी हो और मेरे पास बहुत सारे पैसे है, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है भिखारी, इसके बाद अगर मुझे बोला फ्रेंड तो समझ लेना तुम तो एक नंबर की भिखारी हो और घटिया आदमी हो। वाह यार मुन्नी तुम तो यार एकदम से मेरे दिल की बात को छीन ली हो, एकदम सही बोल रही हो, ये जो फ्रैंकलिन है ये एक नंबर का भिखारी है और इसको हम लोग तो अपनी अपनी कार भी छूने नहीं देंगे। मुन्नी ये तो तुम्हारी कार काफी शानदार है, मैं इसको ड्राइव करने की कोशिश कर रहा हूँ, वाओ ये तो खूब ज्यादा मजा आ रहा है। अरे मुन्नी ये सच में यार तुम तो खरीदी हो 400 करोड़ की कार, ये तो काफी शानदार है, वाओ ये तो खूब ज्यादा इसमें मजा आ रहा है, वैसे मेरी कार भी देख लो इसमें भी खूब ज्यादा मजा आएगा तुम्हें मुन्नी। अरे हाँ सिंचन भाई तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, हम लोग यार इस फ्रैंकलिन इस भिखारी को अपनी कार छूने नहीं देंगे क्योंकि ये छुएगा तो हम लोग भी भिखारी बन जाएंगे, इसलिए हम लोग कभी भी इसको कार अपनी छूने नहीं देंगे। तुम लोग मेरे दोस्त होकर के भी मेरे बारे में कैसे कैसे बातें सोचते हो, भगवान तुम जैसे दोस्त मेरे दुश्मनों को भी ना दे। अरे गाइस ये देखो पूरे के पूरे 1000 करोड़ की ये जो मेरी बैटमैन की कार है, आज मैं फ्रैंकलिन को आज मैं कलुए को दिखा करके रहूंगा क्योंकि कलुआ तो अपना खूब गरीब हो चुका है। अरे कलुए ये देख मेरे पास 1000 करोड़ की बैटमैन की कार है, देख देख तुम तो एकदम से गरीब हो चुके कलुए, हमारे पास तो खाने के पैसे नहीं है तो फिर तुम ये कार का सपना भी नहीं देख सकते, लेकिन मेरे पास देखो ये है मेरे पास 1000 करोड़ की बैटमैन की कार, और साथ ही ये मेरा एक पेट है जो मेरे साथ रहता है, इसका नाम है टाइगर, देख देख ये तुम्हें पता चल जाएगा मैं एक टाइगर को लेकर के घूमता हूँ और साथ ही 1000 करोड़ की कार पे चढ़ता हूँ कलुए। अरे मेरे भाई चुप,
तुमसे ये उम्मीदें नहीं थी। जैसा सिंचैन हल्क और ये अपनी मुन्नी कर रही है, सेम तुम वैसा ही मेरे साथ भी कर रहे हो। देखो मैं गरीब हो चुका हूँ, लेकिन तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मेरे पास एक कोई कार नहीं है, लेकिन तुम लोगों के पास 1,000 करोड़ की कार से चढ़ने के लिए, और तुम लोग मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो। यार चोप भाई, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, कम से कम सिंचैन और चोप से तो नहीं थी। हल्क से तो मैं मान सकता हूँ कि चलो इससे मेरी दोस्ती उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन तुमसे तो कितनी अच्छी दोस्ती है यार चोप। यार सिंचैन तुम भी तो देखो, तुम दोनों से कितनी अच्छी दोस्ती थी। यार गाइस, मैं भगवान से दुआ करूंगा यार ऐसी दोस्त कभी भी किसी को ना दे, कि यार दुश्मनों से भी ज्यादा दर्द देते हैं ये लोग। और गाइस, आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताना कि क्या आप लोगों के दोस्त भी आप लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं, तो जरूर से आप लोग कमेंट में बताना। और आप हमें ये भी बताना कि क्या आपके पास अगर ऐसे दोस्त होते तो आप उनके साथ रहना चाहते या फिर दोस्ती तोड़ देते, ये बात जरूर से कमेंट में बताना। लेकिन रुको रुको, मैं अभी ट्रेवर से बात करता हूं और मैं भी कोई जुगाड़ लगाता हूं, और मैं वो जुगाड़ लगाने के बाद कहीं से ना कहीं से मैं इन लोगों से जैसा कार तो लेकर के आऊंगा ही आऊंगा। तो मैं फटाफट ट्रेवर को कॉल करता हूं और पूछता हूं कि ट्रेवर के पास कोई ऐसी कार की लोकेशन है क्या। अरे हेलो भाई ट्रेवर, अरे कैसे हो भाई? अरे मैं तो अच्छा हूं भाई, लेकिन तुम ये बताओ यार ट्रेवर, मुझे कुछ ऐसी कार का लोकेशन दे दो जो दुनिया में सबसे बेहतरीन कार हो। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक बोलो। अच्छा हाँ, वाह वाह, ठीक है, माइंस के जगह ना। अच्छा ठीक है। अरे गाइस, मुझे एक लोकेशन मिली है, मुझे ट्रेवर ने एक लोकेशन दिया है, बोला है कि वो माइंस के जगह जाओ, वहाँ पर एक दुनिया के सबसे बेहतरीन कार रखी है, लेकिन वहाँ पर सिक्योरिटी काफी ज्यादा होंगे गाइस। तो चलो, लेकिन अरे रुको, मैं आता हूँ चोप, अभी मैं तुम लोगों को बताऊंगा। मैं जा रहा हूँ गाइस, और मैं वहां से ना वो कार को लेकर के आऊंगा और फिर मैं इन लोगों को बताऊंगा। लेकिन गाइस, वहां पर सिक्योरिटी काफी ज्यादा है यार, मैं फ्लो में तो इन लोगों को बोल दिया हूँ कि मैं वो कार को लेकर के आऊंगा, लेकिन गाइस अभी ट्रेवर बता रहा था कि वहां पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है, तो मुझे काफी ज्यादा अच्छे तरीके से जाना पड़ेगा गाइस, और फिर मैं उस कार को कैसे भी चोरी करके लाता हूँ यार, क्योंकि यार दोस्ती की बात है यार। और ये लोग मुझे अपने देख रहे हो ना, आप लोग तो देख करके समझ गए होंगे कि जब दोस्त कोई आपको ऐसा बोलता है तो रोना आ जाता है यार गाइस। और इसलिए गाइस, मैं अपनी जान की बाजी लगा करके भी जा रहा हूं, और मैं वो कार को कैसे भी लेकर के आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं वो कार को लेकर के ही आएगा गाइस। गाइस, पूरे 1 घंटे चलने के बाद फाइनली अब हम लोग पहुंच चुके हैं वो माइंस की तरफ। जहां पर माइंस है वहीं पे बहुत सारी सिक्योरिटी के बीच में वो कार रखी गई है। तो चलो देखते हैं कि हम लोग उस कार को कैसे चोरी कर सकते हैं या फिर डाका डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ज्यादा गन्स भी नहीं है, तो बहुत ही ज्यादा हमें अच्छी तरीके से कैसे भी करके चोरी करना पड़ेगा। गाइस, पहले मैं यहां से निकलता हूं आगे की तरफ। आगे गाइस बहुत ज्यादा सिक्योरिटी मुझे यहीं से नजर आ रही है, पता नहीं आपको नजर आ रही है कि नहीं आ रही है। गाइस सामने देखो यार, कितनी ज्यादा सिक्योरिटी है, ओ माय गॉड। मैं ऊपर से चलता हूं गाइस, क्योंकि नीचे काफी ज्यादा पुलिस की गाड़ी है और पुलिस भी है। ओ भाई, यहां पर तो टैंक भी लगी है गाइस, नीचे देखो। ओ भाई, यहां पर चौपर भी है। माय गॉड यार ट्रेवर, तुम तो यार फंसा दिया यार। मतलब गाइस, सच में यार दोस्ती के कारण मुझे ये काम करना पड़ रहा है। वैसे मैं इस गाड़ी से भी खुश था, लेकिन वो लोग आकर के मुझे ऐसे ऐसी बातें बोले हैं कि मेरा खून खोल गया है। वैसे अगर कोई भी दोस्त अगर आपको जिस पे अच्छा सा आपके विश्वास हो, और वो दोस्त अगर आपको बुरा बोलेगा तो आपको बुरा लग जाएगा गाइस। और चलो, मैं वही बदला यहां पर ये आर्मी वाले से लेने वाला हूं। मैं यहां पर अभी लॉन्चर निकाल करके इन सभी को मैं फायर करने वाला हूं गाइस। ये लो पहला फायर गाइस। आप लोग दुआ करना कि मैं बिल्कुल ठीक रहूं और यहां से मैं बिल्कुल अच्छे से चोरी करके निकल जाऊं। यार वैसे मेरे पास ज्यादा माइंस नहीं है और ज्यादा लॉन्चर नहीं है, तो मैं जल्दी जाता हूं और यहां से मैं कार लेकर के भागूंगा। चलो गाइस, मुझे यहां से भागना पड़ेगा जल्दी से यार, यहां पर काफी ज्यादा सिक्योरिटी है, यहां पर मुझे कैसे भी इन सभी लोगों को खत्म करना पड़ेगा। बाप रे, मैं गिर गया यार, देख रहे हो गाइस कितने सारे लोग हैं, लेकिन इन लोगों को मुझे मारना नहीं है, मेन मोटिव इन लोगों को मारना नहीं। अरे भाई, मुझे गिरा दिया यार, ओ माय गॉड यार, इस बार मुझे भागना पड़ेगा। गाइस सामने वो गाड़ी है, आपको नजर आ रही होगी, तो मैं चलो यार फटाफट इन लोगों को छोड़ता हूं और मैं गाड़ी में बैठता हूं। सामने देखो गाइस, वो कितनी शानदार कार है, वाव, ये तो सच में यार गाइस दुनिया की सबसे बेहतरीन कार है। वाव यार, ये तो काफी अच्छी कार है। अरे मुझे भागना पड़ेगा यार, यहां पर काफी सारे पुलिस है और मैं बिना काम के लोगों को मारना नहीं चाहता। गाइस आप लोग क्या चाहते हो कमेंट में जरूर से बताना, मैं बस ये कार चाहता हूं, आप लोग क्या चाहते हो जरूर से बताना। वैसे गाइस, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करना, और चैनल पर अगर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना। वैसे गाइस, यहां से मुझे कैसे भी जल्दी से घर की तरफ भागना पड़ेगा, नहीं तो भाई पूरी की पूरी लॉस सैंटोस शहर की पुलिस मेरे पीछे लग जाएगी। इसलिए मैं यहां से गाइस भागता हूं, और आप लोग दुआ करो कि मैं सेफली अपने घर पे पहुंचूं। वाव, यहां पर पुलिस है, ओ माय गॉड। चलो कोई नहीं गाइस, हम लोग यहां पर निकल चुके हैं, सामने से पुलिस तो आ रही है, लेकिन यार हम लोग निकल जाएंगे, चलो कोई बात नहीं है। और गाइस, हम लोग फाइनली अब पहुंच चुके हैं अपने घर की तरफ। अब इन लोगों को मैं बताऊंगा कि गाइस कार क्या होती है। ये देखो
गाइस, कार तो कम से कम ये 2000 करोड़ की होगी ही और इससे मैं अमीर बन जाऊंगा। ये लो बेटे, तुम लोग बहुत ज्यादा हीरो बन रहे थे ना उस समय से। मतलब गाइस देखो, सही में ये कितना तक सही है कि भाई आप अपने दोस्त को नीचे दिखाओ और अपने दोस्त को भिखारी बोलो। ये लो अब देखो मेरी कार, ऐसी कार तुमने दुनिया में कभी भी देखी ही नहीं होगी क्योंकि ये सिर्फ पहली कार है जो दुनिया में बनी थी और वो भी मैंने चोरी कर लिया। देख देख सिंचन नुबरे, उठ जा और चोप। मुझे तो यार स्पेशली सिंचन और चोप के लिए बोलना है, देख ले बेटे ऐसी कार। अरे भाई यार फ्रैंकलिन भैया, तुम्हारे पास तो कार ये काफी ज्यादा शानदार है। ओ माय गॉड, ये तो सच में दुनिया की सबसे बेहतरीन कार है। अरे फ्रैंकलिन भैया, ये कार तुम कहां से लाए हो? ओ माय गॉड, मुझे एक बार ड्राइव करने दो फ्रैंकलिन भैया, सच में ये कार काफी ज्यादा मस्त है यार फ्रैंकलिन भैया। अच्छा बेटे सिंचन, मैं उस समय से भिखारी था, फ्रैंकलिन था, लेकिन अब मैं तुम्हारा फ्रैंकलिन भैया हो चुका हूँ। वाह क्या मस्का मारते हो बेटे, तुमसे तो मतलब कोई अलग ही बात है यार। सिंचन तुम्हारा तो बात ही अलग है बेटे। अरे नहीं नहीं फ्रैंकलिन भैया, यार आप तो काफी अच्छे आदमी हो, आप तो मेरे फ्रैंकलिन भैया हो, आप तो सच में काफी अच्छे हो और आप दुनिया के सबसे अच्छे वाले भैया हो। देखो ना हालक यार, फ्रैंकलिन भैया कितना शानदार कार लेकर के आए हैं। अरे हाँ हाँ फ्रैंकलिन यार, मेरे भाई तुम कितनी शानदार कार लेकर के आए हो, वाव ये तो हमसे भी बड़ा है और ये सच में काफी ज्यादा शानदार है। फ्रैंकलिन मेरे भाई, ऐसा कार तो यार एक बार मुझे भी चलानी है, दे दो ना चाबी, मैं भी एक बार चला लेता हूँ यार। अरे फ्रैंकलिन भाई दो ना, एक बार मैं भी चलाता हूँ इसे। अरे वाह हल्क मेरे भाई, तुम भी यार अभी रास्ते बदल चुके हो। उस समय से मैं भिखारी था, फ्रैंकलिन था, मैं कुछ भी था, मैं पता नहीं क्या क्या था तुम लोगों के लिए, लेकिन जैसे ही मेरे पास ये शानदार वाली कार आई है तब से तो यार तुम लोगों की भोली ही बदल गई है और मैं तो तुम लोगों का भाई हो चुका हूँ, वो भी अच्छे वाला। गाइस आप लोग हमें कॉमेंट में बताना कि क्या इन लोगों की गिरगिट जैसी चाल को मुझे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि यार अभी अभी आपने देखा कि ये लोग मुझे कैसे बातें कर रहे थे और हमसे कैसे व्यवहार कर रहे थे। मतलब लोग मुझे भिखारी बोल रहे थे या कुछ कुछ, तो आप लोग जरूर से बताना।